हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज राजगुरु, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम सभी को जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि इस पर हमारा ज्ञान कुछ कम है। मित्रों, हमारा देश में बहुत सारे त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से दो राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और दूसरा 26 जनवरी जिसको कि हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, यदि हम ये कहें कि 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर 26 जनवरी के बारे में पूछा जाए कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीच में रह जाता है। इसका एक संभावित उत्तर जो सभी लोगों के द्वारा दिया जाता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, पुरुष हो, महिला हो या एक कॉमन मैन हो, सभी के द्वारा जो एक संभावित उत्तर सामने आता है वो यही कि क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने विचारणीय प्रश्न के रूप में उभर कर ये आती है कि लोगों के द्वारा दिया जाने वाला ये उत्तर क्या सही है, क्या हम इसको एक सही जवाब मान सकते हैं। तो इसके बारे में हम वास्तविकता अगर देखें तो कह सकते हैं कि ये जवाब पर्याप्त नहीं है। तब इसका पर्याप्त उत्तर क्या होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि भारत एक गणराज्य है, हम अपने देश को एक रिपब्लिक स्टेट मानते हैं, और इसी रिपब्लिक स्टेट या गणराज्य की खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये एक संभावित उत्तर जो कि प्रॉपर कहा जा सकता है वो है। लेकिन इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि गणराज्य क्या है, गणराज्य या रिपब्लिक कहते किसको हैं। मित्रों, विश्व के अंदर जितने भी राज्य हैं जिनको गणराज्य कहा जाता है, उनका एक कार्यपालिका प्रधान होता है, जिस पद में संविधान के द्वारा सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित की जाती है। जब उस कार्यपालिका प्रधान को आम जनता के द्वारा सीधा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है, और जनता के द्वारा चुने गए जब प्रतिनिधि जब उस कार्यपालिका प्रधान का चुनाव करते हैं, तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका प्रधान का ये चुनाव गणराज्य कहलाता है। इसको हम एक दूसरे रूप में भी बता सकते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान जनता के द्वारा तो चुना ही जाता है, यानी कि जनता डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट मेथड से तो कार्यपालिका प्रधान का चुनाव करती ही है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष और हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस राज्य के इस प्रमुख अथवा प्रधान पद पर कौन पहुंच सकता है, तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि जनता में से ही हर व्यक्ति को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलता है कि अगर वो उस पद पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो वो उस पद पर पहुंच सकता है। तो ये गणराज्य में हम लोग देख सकते हैं कि गण यानी कि जनता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जनता ही उस प्रधान का चुनाव करती है, और जनता में से ही किसी व्यक्ति को उस प्रमुख पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये गणराज्य का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि गणतंत्र जो व्यवस्था है उसका मतलब क्या है, मित्रों, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण जिसको हम जनता अथवा आम नागरिक के रूप में समझ सकते हैं, और तंत्र यानी कि शासन और व्यवस्था, ऐसी शासन और व्यवस्था जिसमें गण अथवा आम नागरिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, वही शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये गणतंत्र की एक परिभाषा हम लोग बता सकते हैं। फिर अगर हम भारत का उदाहरण लें, क्योंकि रिपब्लिक डे हम भारत की बात कर रहे हैं, तो संविधान ने हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रमुख जिसको बनाया है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान भी है और संवैधानिक प्रमुख भी है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद हमारे शासन के संवैधानिक प्रधान है, राष्ट्रपति है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं हैं, जैसे केंद्र पर एक संसद है, और जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में अलग अलग विधायिकाएं हैं जिनको हम विधानसभाएं कहते हैं।
हमारे जो संवैधानिक प्रधान का पद है राष्ट्रपति का, वो इन्हीं जनप्रतिनिधित्व की संस्थाओं में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो ये भारतीय व्यवस्था थी, लेकिन अगर एक और एग्जांपल से हम समझें तो अमेरिका के संविधान के अंदर भी कार्यपालिका प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका की समस्त जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसको कि अमेरिका के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यही निर्वाचक मंडल या इसी निर्वाचक मंडल के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट डालते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन अभी भी हमारे सामने जो हमारा प्रारंभिक सवाल था वो बरकरार है कि क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी प्रति वर्ष 26 जनवरी को ही, यानी कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, अभी भी ये हमारा सवाल बना हुआ है। तो मित्रों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत एक गणराज्य है जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस अचीवमेंट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कब हम इसको सेलिब्रेट करें? तो उन्होंने सोचा कि किसी ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिकल डे को हम ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वो हिस्टोरिकल डे कौन सा हो सकता है? 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे देश के अंदर हमारा संविधान लागू किया गया था, एक नए सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। तो चलो हम इसी दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इसी दिन हम 26 जनवरी के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मित्रों, ये एक वास्तविक जो उत्तर होना चाहिए वो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत एक गणराज्य है और उस गणराज्य की उपलब्धि के रूप में, जो कि भारतीयों की विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सेलिब्रेट हम एक हिस्टोरिकल डे के दिन करते हैं और वो हिस्टोरिकल डे हमने सेलेक्ट किया है 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिस दिन हमारा देश नई व्यवस्था में प्रवेश किया था और नई व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई थी। धन्यवाद मित्रों, मुझे लगता है कि अब इस जानकारी के द्वारा आप विस्तृत रूप से समझ पाए होंगे कि क्यों भारत के अंदर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।